आज सुबह से ये शख्स यहाँ पे मौजूद है प्रेस क्लब के अंदर और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार कर रहा है। न जाने मुझे एक समझ नहीं आती, जिन लोगों की गलतियाँ नहीं होती उन्हीं लोगों को क्यों हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है। ये एक स्टूडेंट है, एक तालिब इलम है, बड़ी गरीब फैमिली से रबता रखता है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हालात तो वाक़ात पर हम जितनी भी बात करें तो एक बेरोज़गार युवा भी है लिखा पढ़ा। मैं आपको ये कहना पसंद करूँगा कि ये बच्चा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड कर रहा है कि इसे कंपनसेशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बदले इसे FIR मिलती है। और ये गुंडागर्दी कोई और नहीं बल्कि ये एक नायब तहसीलदार साहब कर रहे हैं। तहसीलदार साहब, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो मैं आपको ये कहूँगा सबसे पहले कि आप में इंसानियत नहीं, आप में ज़िल्लत वाली ज़िंदगी रह चुकी है जो आप ऐसा काम कर रहे हैं। इसका कसूर इतना है कि इसका घर टूटा हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहा है कि इसे घर बनाकर दे देना चाहिए और जो कंपनसेशन इसकी है जेन्युइन सी वो पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार साहब हैं, वो यही नहीं चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। वो इनसे रिश्वत चाहते हैं जो ये देना पसंद नहीं करते हैं। कहाँ से देंगे, जब ये गरीब हैं तो देंगे कहाँ से, कॉमन सी बात है। इसकी इनकी जेब में अपना किराया तक नहीं है, ये किसी नायब तहसीलदार की उसका पेट उसकी जेब कैसे भरेंगे। अब जब इसने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाई तो इस पर FIR लॉन्च कर दिया गया, और FIR भी वो वाला लॉन्च किया गया है। बड़ी हैरानगी होगी आपको सुनकर कि इसने नायब तहसीलदार साहब पर अटैक किया, हालांकि इनका फरमाना है इनके पास वीडियोज़ हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि नायब तहसीलदार साहब इन पर अटैक करते हैं। इससे पहले भी शख्स की मेरे साथ मुलाकात हुई थी, मैं तब स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू करने के लिए उनके दफ्तर पहुंचा था त्रिकुटा नगर में, और ये शख्स मुझे वहाँ बाहर मिले थे लगभग आज से कोई एक सवा एक महीने के पहले की बात है ना। उस वक्त में भी इसकी यही अपील थी, किसी ने नहीं सुनी। मतलब आपके साथ इतना हरास किया जा रहा है, FIR कर दिए गए, आप पर जुल्म व जबर किया जा रहा है और आपकी कोई भी मदद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, ऐसा क्या है? मतलब आप गरीब हो इसीलिए? सर मुझे लगता है कि गरीब होना जुर्म है, अथॉरिटी से क्वेश्चन करना जुर्म है, और अथॉरिटी का कोई अथेंटिक वे से वीडियो शूट करना, उसको कहीं पे कहना कि मैं ये वीडियो कहीं चलाऊंगा, ये जुर्म है। तो मैंने ये जुर्म किए हैं इसलिए अभी मैं एक विक्टिम हूँ। मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस अंडर सेक्शन 353 लगाई गई, 504 लगाई गई, 506 लगाई गई और 431 लगाई गई। अच्छा ठीक। ये इसलिए लगाई गई क्योंकि वो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन है और हम एक कॉमन मैन हैं, हमारी तो कोई FIR भी नहीं लेता। मैंने अप्रोच की जहाँ पे आपने अभी बोला कि रविंद्र रैना जी के पास गए, जो रूलिंग पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके पास उस समय गए, उन्होंने कंसर्न ADC से ये बात की। उससे पहले, ये वाक़या होने से पहले, मैं ADC को कॉल करता हूँ, SDM को कॉल करता हूँ कि यहाँ पे जो आपका कंसर्न ऑफिसर है, उससे पहले मैं ऑनरेबल एडवाइज़र फारूक खान को एक लेटर देता हूँ जिस लेटर में ये चीज़ें मेंशन करता हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ है, वहाँ पे कंसर्न रेलवे की अथॉरिटीज़ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक गुंडागर्दी कर रही है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, उसके बाद एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी बनाई गई मेरे लिए कि इसके अगेंस्ट कैसे FIR लॉन्च की जाए, इसको कैसे क्रिमिनल चार्ज लगवाए जाएँ पुलिस के द्वारा। वो 30th of June को हुआ। 30th of June को जब मैं वहाँ गया एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए, SDM ने लेटर निकाला हुआ था, तो 10 बजे स्पॉट पे टीम पहुँची। टीम पहुँचने के बाद नायब तहसीलदार नहीं आए, कमेटी के हेड वो थे, वो नहीं आए। 4 बजे वो वहाँ पे आते हैं स्पॉट पे। स्पॉट पे ये कहते हैं कि आपने जो अप्रोच की एडवाइज़र फारूक खान साहब के पास की, वो आपको कंपनसेट नहीं करेंगे, कंपनसेट मुझे करना है, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं फ्री में आपकी फाइलें चलाऊं। मैंने कहा कि आप अगर ऐसा कहते हो, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड की कह दीजिए कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं ये रिपोर्ट नहीं करूँगा, मैं आपकी फाइलें आगे पीछे नहीं चलवाऊँगा, मैं ये रिकॉर्ड करूँगा। ओके। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, वो वीडियो मेरे पास रिकॉर्डेड है, उसमें उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि अगर ये रेलवे अथॉरिटी ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आती है तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को तो कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन इस पे जवाब ना देते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद मेरा फ़ोन उसी समय छीन लेते हैं, उसमें कहते हैं डोंट डू दिस, और फ़ोन छीनते हैं, उसके बाद मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे वो फ़ोन से हमने वीडियो शूट की, वो कुछ सेकंड की हैं, उसके बाद वो स्पॉट छोड़ के चले जाते हैं। देन नेक्स्ट, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। खालिक, आप किस क्लास में? मैं सर आई एम मास्टर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन, 3rd semester जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मतलब आप एक स्टूडेंट होकर तालीम हासिल कर रहे हैं,
और एक गरीब फैमिली से हैं, फिर भी जो इनकी अपनी चाहत है वो किसी और दिशा इनको लेकर जाना चाहती है। लेकिन इसी उम्र में एक मास्टर्स वाले बच्चे पे एक नायब तहसीलदार अपनी गुंडागर्दी करके FIR लॉज करवा देता है। अभी तक आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, जो वहाँ के SHO साहब, उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि आप लिखे पढ़े क्वालिफाइड बंदे हो। मैंने नेक्स्ट डे, जब फर्स्ट डे मैं आपको मिला था, नेक्स्ट डे 3 तारीख को, 2 तारीख को FIR लॉज होती, 3 तारीख को मैं यहाँ के IGP साहब के पास जाता हूँ और ये कंप्लेंट वहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है और उन्होंने FIR लॉज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर FIR लॉज हुई होगी, मैंने कहा कि काउंटर FIR होनी चाहिए, और वो उन्होंने वहाँ से फॉरवर्ड की SSP रामबन को फॉरवर्ड की, तो मैं कंसर्न SHO के पास गया। मैंने कहा ये कंप्लेंट मैंने वहाँ दी, उसकी कॉपी दी। उन्होंने कहा ये 60 डेज़ में मेरे तक पहुँचेगी। देन मैंने उनको बाय हैंड एक रिटर्न में एक कंप्लेंट दी। मैंने कहा सर कि इस पर देखा जाए काउंटर FIR के लिए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई ना करते हुए उन्होंने वो फॉरवर्ड की कंसर्न चौकी में, और मैं 18 तारीख तक वेट करते रहा। 18 तारीख को मैंने फिर वो कंसर्न कोर्ट में दे दी। यानी कि एक बात तो यकीनन सी है कि इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन धड़ल्ले से जब पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदारों को सस्पेंड करती है, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब इंसाफ हो रहा है। सबसे करप्टेड डिपार्टमेंट मुझे लगता है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर ये नायब तहसीलदार, ये तहसीलदार इस तरीके से इन बच्चों से डिमांड करते हैं पैसे की, और जब इनकी डिमांडें ना पूरी की जाएँ तो उन पर जुल्म और जबर किया जाता है। आई स्टैंड विद खालिक, इफ़ यू स्टैंड विद खालिक देन शेयर दिस वीडियो, और हर एक ने आवाज़ उठानी है, खालिक के लिए स्टैंड होना है। और कहीं ना कहीं अगर आज हम इसके लिए नहीं स्टैंड होंगे, तो यकीनन सी बात है कि कल हम किसी और के लिए नहीं स्टैंड हो पाएंगे, क्योंकि एक बच्चा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से मदद मांग रहा है, और हम लोगों का हक ये बनता है कि हम आप तक सच्चाई पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा आप तक सच्चाई पहुंचाता रहा हूं, तो आज भी आप मेरे कहने पर इस वीडियो को शेयर करेंगे और खालिक के साथ स्टैंड लेंगे। कहीं ना कहीं खालिक इस वक्त मजबूर हालत में है और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी किसी की बात को सुनकर ना इनकारी कर रही है, लेकिन अब सवाल आप लोगों तक है, क्या आप खालिक को स्टैंड करोगे, खालिक का सपोर्ट करोगे, या फिर कहीं ना कहीं उस करप्टेड नायब तहसीलदार की इन बातों को सुनकर एक कान से निकालोगे, दूसरे कान से उड़ा डालोगे। कहीं ना कहीं अब लास्ट की क्या अपील रहती है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि अब तो आप एक विक्टिम बन चुके हो। और मुझे दुख होता है, मैं जब भी ऐसे यूथ से मिलता हूँ, हाईली क्वालिफाइड यूथ, लिखे पढ़े बच्चे, हमारे स्टेट के भविष्य के फ्यूचर, हमारे PM साहब खुद कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अरे कौन सी रीढ़ की हड्डी है ये, मुझे ये बता लो, जिस पे 4 FIR करवा दिए, और रीज़न ये है कि इसने सिर्फ हक आवाज़ के लिए कदम बढ़ाया था। ये हमारे देश के अंदर इंसाफ है? हमारे इतने लीडर्स, इतने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, कोई एक आके मदद कर लो। मैं देखूंगा इस वीडियो के बाद आप लोग कितनी मदद करते हो, और यकीनन सी बात है कि आप सारे इस वीडियो को देखते हो, और मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या आप इसकी मदद करोगे या नहीं करोगे। क्या अपील एडमिनिस्ट्रेशन से आखिरकार लास्ट में? एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके तहत इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जो लोगों को मेंटली हरास करते हैं, और लोगों को हरास करने के बाद उनसे इस तरह की अप्रोच करते हैं, देन और जो मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, इसका डिसीजन तो कोर्ट करेगा, और लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कंसर्न पुलिस है, और पुलिस में वो उसका हाईली रेपुटेटेड आदमी है और वो उसका इन्फ्लुएंस है। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाए, जो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। चलिए, फ़िलहाल आई स्टैंड विद खालिक, और अगर आप लोग भी खालिक का स्टैंड लेना चाहोगे तो आप खालिक को ज़रूर सपोर्ट करोगे। खालिक एक बड़ी गरीब फैमिली से रابطہ रखता है, खालिक एक स्टूडेंट है, खालिक एक हाईली क्वालिफाइड यूथ है जम्मू कश्मीर का, और खालिक को अब मदद चाहिए तो आप लोगों ने साथ देना है। क्या आप लोग दोगे साथ? अगर दोगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करोगे, और साथ ही साथ खालिक के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी आप लोग करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस वक्त ये मजबूर हालत में है, तो यकीनन सी बात है कि आते वक्त में आप भी हो सकते हैं, अगर ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ ना उठाएगी। फिलहाल आप देखते रहे डेली तस्की न्यूज़ 24/7। आमिर के साथ जम्मू से जय हिंद।